हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अली। आप देख रहे हैं अली फिटनेस और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इनसेन लैब्स के साइकोटिक का। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो हमने रिव्यू पे की थी वो हमारा एक और प्री वर्कआउट था मिस्टर हाइड। आज जो हम रिव्यू लेने जा रहे हैं वो साइकोटिक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इनसेन और हार्डकोर वर्कआउट्स में से एक है। तो आज इसकी थोड़ी सी प्रोफाइल पर हम नज़र मारते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइकोटिक ने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो खुलकर नहीं लिखे हुए, मतलब हमसे थोड़े से छुपाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4459 mg की जो अमाउंट है, अब इसमें कौन सी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है ये बहुत सी कंपनीज छुपाती हैं और इनसेन लैब्स ने भी अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो छुपाए हुए हैं। जैसे कि अब आप इसमें गेस आउट नहीं कर सकते कि किस कितनी अमाउंट की कैफीन इसमें डाली गई। ऑल्दो अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डिवाइड कर दो इस अमाउंट पे, आपको कुछ रेशो हर चीज़ की मिल जाएगी, लेकिन ये सारी एग्जैक्ट रेशोज़ नहीं होंगी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं और ये अक्सर कंपनीज छुपाती हैं अपनी कुछ इंग्रेडिएंट्स को छुपाने के लिए, ताकि बाकी कंपनीज़ को ना पता चले कि वो बीटा 9 की क्या रेशो दे रहे हैं, वो कैफीन की क्या रेशो दे रहे हैं, उनकी सेट्रोलिन मैलेट कितने में है, क्या क्या वो कितने स्कूप में कितनी सर्विंग मिल रही है किस चीज़ की। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपाती हैं कंपनीज। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए है प्री वर्कआउट। क्या इसको बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हर तरह का बंदा इसको यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड ये कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सर्विंग साइज़ जो है उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपकी सर्विंग साइज़ ऊपर ना चली जाए। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा सर्विंग डोज ले लोगे, आपका जो हार्ट है उसमें थोड़ी सी आपको श्रिंक की फीलिंग आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप फेंट हो रहे हो। तो कभी भी फ्रेंड्स इसके जो डोज है, डोजेज के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। ये बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट करने वालों के लिए होता है, जो लोग बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बिगिनर्स के लिए या जो अभी थोड़े से और कुछ टाइम से कर रहे हैं, थोड़ा और बिगिनिंग लेवल ऊपर, उनके लिए भी ये नहीं है। ये एक ऐसा प्री वर्कआउट है जो सिर्फ हार्डकोर ट्रेनर्स के लिए है, जो प्रोफेशनल बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं या बहुत हार्डकोर करते हैं, जैसे सुपर सेट्स कर रहे हैं, ड्रॉप सेट्स कर रहे हैं, कार्डियो उनका बहुत ज़्यादा है, जिन्हें एनर्जी की लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये उनके लिए, बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड ये बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे कि आप स्क्रीन पर सब देख सकते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने मार्क किया हुआ है कि जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग में भी जितने मर्जी आप इंटेंस ट्रेनर हो, आप जितने मर्जी हार्डकोर गेम करते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपने एक स्पेसिफिक डोज से ही स्टार्ट करना है, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते। सो गाइस, दैट वाज द रिव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस प्री वर्कआउट पे फ्रेंड्स मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसा प्री वर्कआउट लें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी भी डोजेज ऊपर नीचे होगी तो आपको हार्ट श्रिंक हो सकता है, आपको हेडेक्स आ सकते हैं, आप जिम में फेंट फील कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप वो प्री वर्कआउट लें जो ईजी हो यूज़ करना। मिस्टर हाइड इससे काफ़ी बेटर है। उसके बाद बहुत से ऐसे प्री वर्कआउट है, अगर आप एक बिगिनिंग पे हैं C4 आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप थोड़े एक मीडियम पेस पे आ चुके हैं तो आप एनएक्सप्लोर यूज़ कर सकते हैं, बट दिस थिंग अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा कैफीन है, इंसोमिया हो सकता है। मिस्टर हाइट में ही मैंने वीडियो में बताया था कि इंसोमिया आपको हो सकता है। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।